यहाँ पे एक प्राइवेट वाटरफॉल है एंड पॉन्ड है जिसके लिए हम जल्दी से रेडी होके वहाँ जाने वाले हैं। नीर वाटरफॉल के पास ना ऑटोज नहीं आते, आपको मोस्टली कैब करनी पड़ेगी, बट कैब इज वेरी एक्सपेंसिव। सो व्हाट वी डिड वाज कि हमें पता था कैब ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हमने यहाँ पे स्कूटी बुक करी फाइनली। सो या आई वाज सेइंग कि कैब एक्सपेंसिव पड़ती है, इसलिए हमने ऋषिकेश में अभी स्कूटी बुक करी है, विच इज लाइक 500 का हमें उसका रेंट लगा है, और जो आप सुबह 10 बजे तक यूज कर सकते हो। सो इट्स मोर इकोनॉमिकल इफ यू कंपेयर टू द कैब। आई थिंक हमने आधे से ज्यादा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और कुछ 100-150 मीटर बचा हुआ है, बट ये ट्रैक बहुत ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है फिलहाल, एंड आई हैव नो आइडिया कि ऊपर हमने जो एयरबीएनबी बुक किया है कैंपिंग के लिए वो कैसा होने वाला है। आई एम जस्ट होपिंग कि इट्स वर्थ इट। Now let's go and complete the trek. तो अभी हमें यहाँ पे एक कैंप दिख रहा है, इट्स कॉल्ड नीर हिमालयन ट्रैक, एंड आई थिंक इसके जस्ट थोड़े से और ऊपर में इज वेयर वी बुकड, इट्स कॉल्ड एक्वा ड्राइव। हमने इसे एयरबीएनबी से बुक किया था एंड आई थिंक इट वॉज 3000 फॉर 2 पर्सन, एंड उन लोग के पास शायद उनका खुद का प्राइवेट वाटरफॉल एंड उसका पॉन्ड होता है, लाइक नॉट प्राइवेट वाटरफॉल बट लाइक वो प्रॉपर्टी पे जो वाटरफॉल है वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, बस जो प्रॉपर्टी बुक करते हैं उन लोग ही जा सकते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज आपने देखा होगा कि बाकी सब वाटरफॉल्स जो थे जो पॉन्ड्स थे वो कितने भरे हुए थे, मतलब पता नहीं लोग वहाँ पे कैसे इन्जॉय कर रहे थे, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्राइवेट थिंग, तो मे बी इट विल बी मोर एन्जॉयफुल। चल सी यू इन द कैंप नाउ। हाँ आ गया आ गया। सो वी हैव रीच्ड, सो वी हैव रीच्ड द लोकेशन नाउ एंड आई एम सो हैप्पी कि ट्रैक फाइनली कंप्लीट हो गया। ये कैसा सिटिंग एरिया भी दिया है, अब यहाँ पे अगर ग्रुप के साथ आ रहे हो सो यू कैन जस्ट सिट हियर चिल एंड एंजॉय। तो ये हमारा कैंप है, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस कैंप, एंड ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक प्राइवेट वाटरफॉल है एंड पॉन्ड है जिसके लिए हम जल्दी से रेडी होके वहाँ जाने वाले हैं। ऐसे ब्रिज भी है एंड देन यहाँ पे ऐसा, देयर इज लिटरली नो वन हियर। तो अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग में आते हो, जैसे अभी मॉर्निंग में 8 बज रहा है, तो आपको पूरे रास्ते पूरे ट्रैक में छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलेंगे, नॉट छोटे छोटे बट इट्स प्रॉपर वाटरफॉल्स है, उसके पास ऐसा पॉन्ड है जहाँ पे आप आराम से स्विमिंग कर सकते हो अगर आप सुबह आते हो तो, और अगर आप दोपहर में आते हो तो यहाँ पे हद से ज़्यादा क्राउड होता है, इसलिए मॉर्निंग हमेशा प्रेफर करना है यहाँ पे आने के लिए। If you're still watching this video, please do like and subscribe to my channel and see you in my next vlog. Bye-bye.